good evening students our next topic is accident in children in the child health nursing mm, accident are the main cause of injury and even death in the children people only relate accident to outdoors activities however as a matter of fact the place where people regards as the safest place that is home hides many hazards the main cause of होम एक्सीडेंट इज़ जनरल नेगलिजेंस एट होम अक्सर होता क्या है बच्चों में इंजरी होने से uh, वो एमरजेंसी कंडीशंस बन जाते हैं जिसे एक्सीडेंट पे हम बोल देते हैं अगर ये इंजरी ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो इसमें बच्चे की डेथ भी हो सकती है काफ़ी लोगों का मानना है कि बच्चों में एक्सीडेंट जो होते हैं वो आउटडोर्स एक्टिविटीज़ की वजह से ही होती हैं लेकिन कुछ और लोगों का मानना है कि बच्चों के लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस उनका घर होता है फिर भी बच्चों के बच्चों को अगर सेफेस्ट प्लेस पर भी एक्सीडेंट ज़्यादातर देखा जाता है जैसे सिक्स मंथ के बाद जो बच्चा होता है इधर उधर घूमना चलना दौड़ना स्टेयर चढ़ना और भी बहुत सारी हरकतें बच्चा करता है छोटे बच्चों में बॉइलिंग वाटर और कुकिंग लिक्विड से जलना कॉमन हो जाता है लेकिन इसका जो मेन कारण है पेरेंट्स या फिर जो उनके केयर टेकरस होते हैं उनके थ्रू बच्चे का इग्नोरेंस करना या फिर उनमें नॉलेज की कमी की वजह से उन छोटे बच्चों में ज़्यादातर एक्सीडेंट होने के चांसेस बन जाते हैं नेक्स्ट इज़ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दी डब्ल्यू एच ओ एक्सीडेंट इज़ एन इवेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन वेल कोस्ट बाय आउटसाइड फोर्स एक्टिंग एंड रिजल्टिंग इन फिजिकल और मेंटल इंजरी एक्सीडेंट एक ऐसा इंडिपेंडेंट इवेंट माना जाता है जो कि विदाउट ह्यूमन विल अक्कर होती है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण ह्यूमन पर फिजिकल और मेंटल इंजरी हो सकती है एक्सीडेंट इज डिफाइंड एज अनएक्सपेक्टेड अन प्लैंड विच में इन्वॉल्व इंजरी एक्सीडेंट को अनएक्सपेक्टेड होते अनएक्सपेक्टेड होते हैं क्योंकि किसी पर्सन के चाहने और ना चाहने से कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता है और ना ही कभी कोई प्लान होता है कि बेबी को इंजरी कब होगा किस टाइम होगा एक्सीडेंट एंड प्लान होता है ये कभी भी अक्कर हो सकता है नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एक तो लोकेशंस पे और एक होता है सीवीआरटी पे अगर हम लोकेशंस की बात करें तो अकरिंग आउटसाइड दी होम कौन कौन से एक्सीडेंट घर के बाहर हो सकता है जैसे रोड क्रॉसिंग एक्सीडेंट हो सकता है बच्चे को ड्राउनिंग फ्रॉम दिस स्विमिंग अगर स्विमिंग पूल है वहाँ पे बच्चा डूब सकता है स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी इंजरी हो सकती है बच्चा कोई गेम वगैरह खेल रहा हो लटक रहा हो झूल रहा हो उसकी वजह से भी कोई एक्सीडेंट बच्चे को हो सकता है हेड इंजरी हो सकती है जैसे कि अगर वो के लिए यूज़ कर रहा है या फिर स्केटिंग स्केटबोर्ड यूज़ कर रहा है स्केटिंग के लिए या स्कूटर्स यूज कर रहा होता है तो उससे गिर सकता है जिससे बच्चे को हेड इंजरी होने के चांसेस बने रहते हैं बाहर और फॉल फ्रॉम दी प्ले ग्राउंड इक्ुपमेंट्स अगर बच्चा बाहर प्ले ग्राउंड में खेल रहा है और कोई इक्ुपमेंट के साथ खेल रहा हो तो उससे भी बच्चे को इंजरी हो सकती है किसी इक्पमेंट पे गिरने से या झूले से गिरने से बच्चे को ये आउटडोर्स एक्टिविटी करने से बच्चे को एक्सीडेंट हो सकता है अगर हम बात करें इनसाइड के अगर घर में बात करें तो बच्चे को कौन कौन से एक्सीडेंट हो सकते हैं घरों में सबसे सेफ फर्स्ट प्लेस माना जाता है कि जहाँ पे बच्चों को एक्सीडेंट नहीं हो सकता है लेकिन नहीं घर पे भी बच्चे को एक्सीडेंट हो सकता है जैसे कि बेड से गिरने से स्टेज पर ऊपर नीचे उतरने और चढ़ने से बन मतलब यानी कि जलने से हो सकता है घर के पूल में डूबने से हो सकता है गैस या चूल्हे चूल्हे से अगर नीचे यूज़ किया जा रहा हो तो बच्चा उसको बार बार ऑन और ऑफ़ करने की कोशिश कर सकते हैं और चूल्हे पर अगर खाना बनाया गया है और उस समय वो प्लेस बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है तो बच्चा उसमें अपना हाथ या फिर कोई एक्सट्रीमिटी यूज़ कर सकता है उसको टच करने के लिए उससे भी बच्चे को इंजरी हो सकती है इलेक्ट्रिक करंट से हो सकती है टॉक्सिक इन डाइजेशंस की वजह से हो सकती है कि बच्चे को नहीं पता होता वो कौन सा सब्सटेंस या कौन सा एक कंपोजिशन उसमें मिला हुआ होता है बच्चे को उसमें खेलने का मन करता है बच्चा उसको पी भी सकता है उसके साथ खेल भी सकता है कोई भी इवेंट उस समय हो सकता है जिससे बच्चे को इंजरी घर में हो सकती है नेक्स्ट जो होती है अगर एक्सीडेंट को हम अगर हम सीवियरिटी पे डिपेंड करें तो मेजर और माइनर दो तरह की होती है एक माइनर होती है एक सीवियर होती है ठीक है जैसे कि अगर अगर हम माइनर की बात करें तो स्लिपी फ्लोर पर खेलने से बच्चे को आ, स्लिप, अगर स्लिपरी फ्लोर होगा बच्चा उसमें खेलेगा तो स्लिप बच्चा हो सकता है उसमें गिर सकता है अगर माइनर मेजर की बात करें सीवियर कंडीशन कब को हो सकते जैसे डूबने से लंग्स में पानी जाने की वजह से बेबी को निमोनिया होने के चांसेस बन सकते हैं टॉक्सिक इनहेल करने से बॉडी में रिएक्शन होने पर केस सीरियस हो सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि एक्सीडेंट माइनर है कि मेजर है नेक्स्ट कॉमन इन्फेंट एक्सीडेंट इन्फेंट में एक्सीडेंट कौन कौन से कॉमन माने जाते हैं जैसे बर्न हो सकता है एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर्स चौकिंग जैसे चौकिंग मतलब क्या होता है बेबी बेबी सांस लेने में डिफ़िकल्टी शो करेगा विंड पाइप ब्लॉक हो जाती है बच्चे की इसमें बच्चा सांस अच्छे से नहीं ले पाता है टॉक्सिक इंजेसन कर सकता है नियर ड्राउनी डूब सकता है नेक्स्ट कॉमन टोवलर्स एक्सीडेंट टोरलर्स में कौन कौन से एक्सीडेंट कॉमन माने जाते हैं जैसे बर्न्स हो गए एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर्स चौकिंग हेड इंजरी हो सकती है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्योंकि बच्चा इसमें बाईसाइकिल ट्राईसाइकिल यूज़ करता है उसकी वजह से भी बच्चे को इंजरी हो सकती है ड्राउनिंग हो सकती है टॉक्सिक इंजेस की वजह से होता है बाईसकिल यूज करने दो पहिए की गाड़ी यूज करने से भी हो सकता है नेक्स्ट कॉमन प्री स्कूलर एक्सीडेंट जो होती है वो बंस एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर्स मोटर व्हीकल एक्सीडेंट ड्राउनिंग टॉक्सिक इंजेस की वजह से बाईसाइकिल इंजरीज की वजह से नेक्स्ट स्कूल चिल्ड्रन एक्सीडेंट जो, जो स्कूल में जाते हैं बच्चे उनमें कौन कौन से एक्सीडेंट होने के चांसेस बने रहते हैं जैसे एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो सकते हैं रोड क्रॉस करते हैं उसकी वजह से एकदम से टक्कर लग सकती है आर हो सकता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी हो सकता है स्पोर्ट्स इंजरी हो सकता है क्योंकि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ज़्यादातर बच्चे पार्ट्स लेते हैं प्ले करते हैं उसमें बच्चे को इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं नेक्स्ट अगर हम अडोलसन की बात करें तो एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर हो सकता है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट स्पोर्ट्स इंजरी ड्राउनिंग ये सारे क्या है कॉमन मिलते जुलते एक्सीडेंट है, है जो हर एक स्टेज पे जिस बच्चा जो कौन से स्टेज पे जिसके भी कांटेक्ट में आता है किसी भी एक्टिविटी के कांटेक्ट में आता है तो उसके अगर वो प्रॉपर वे में नहीं कर पाएगा तो उससे बच्चे को इंजरी होने के चांसेस बन जाते हैं और वो एक सीवियर कोज भी हो सकता है जिसमें बच्चे की डेथ भी हो सकती है नेक्स्ट है हम बच्चे को कैसे प्रिवेंट करें एक्सीडेंट होने चाहिए चाहे वो आउटडोर हो चाहे वो इनडोर हो चाहे वो माइनर हो चाहे वो सीवियर हो फर्स्ट पॉइंट इज्कीप फ्लोर ऑलवेज क्लीन जहाँ पर बच्चे बच्चे के खेलने खे, खेल रहा होता है वहाँ पर फ्लोर हमेशा क्लीन रखना चाहिए ड्राई रखना चाहिए नेक्स्ट कीप क्लोज सुपरविजन वन टोटर्स लर्न टू वॉक जब बेबी चलना सीख रहा होता है तो बेबी को अपने सुपरविजन में रखना चाहिए कभी बेबी को अकेला नहीं छोड़ना है नेवर लीव बेबीज़ अनअटेंडेड और रेस सर्फेस जब बेबी ऊंचाई वाली जगह पर हो तो बेबी को अकेला कभी नहीं छोड़ना है बच्चा वहाँ से गिर सकता है कोई और एक्टिविटी कर सकता है बच्चा कूदने की भी कोशिश कर सकता है जंप लगाने की कोशिश करेगा तो ऐसे में बच्चे को सुपरविजन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है नेक्स्ट की फ्लोर ड्राई फर्श हमेशा ड्राई होना चाहिए नहीं तो बेबी स्लीपी हो सकता है और बेबी को इंजरी हो सकती है ट जब बेबी अपने कोट यानी कि बेड पर होता है तो बेड जो रेल्स होती है उसको ऊपर कर देना चाहिए जिससे बेबी बेबी का गिरने का खतरा कम रहे नेक्स्ट विंडो एंड डोरस मस्ट बी लॉग टू अवॉइड दर्स बाई दिल्ड्रेन खिड़की और दरवाजे हमेशा याद करके लॉक कर देना चाहिए किसी भी मिस हैपनिंग से प्रिवेंट करने के लिए बच्चे को नेक्स्ट अवॉइड प्लेसिंग स्टेप स्टोन्स सच है चेयर नेक्स्ट विंडो स्टेप स्टोन्स विंडो के पास नहीं होने चाहिए नहीं तो बेबी एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर चढ़कर विंडो तक पहुंच सकता है जिससे बेबी को खतरा हो सकता है टेक एक्स्ट्रा केयर टू अवॉइड साइड टर्निंग ऑफ आ बेबी चेयर टर्निंग चेयर और मूवेबल जो चेयर होती है बेबी के लिए उसमें अगर बेबी यूज़ कर होता है या फिर बेबी के पास होता है तो एक्स्ट्रा केयर की बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हमेशा ऐसी चेयर होनी चाहिए बेबी के लिए जो जिसमें खतरा बेबी को कम हो और हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ना पड़े नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट चिल्ड्रंस नॉट टू प्ले वायल्ड ईटिंग बेबी को हमेशा समझाना चाहिए कि खाते समय बात नहीं करनी चाहिए नहीं तो बेबी के थ्रोट में किसी ना किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं चोकिंग भी हो सकती है नेक्स्ट नेवर लिव द बेबी अलोन इन दी बात टब बात के टाइम बात के टाइम टब बाद में बेबी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि बच्चा उसमें खेलता है अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करता है और बच्चे को खतरा उस समय हो सकता है तो ये थे कुछ प्रिवेंसन्स बच्चे को एक्सीडेंट से बचाने के लिए आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा